बिहार के शिक्षा विभाग ने बुधवार को दो अलग अलग आदेश जारी कर जिला शिक्षा पदाधिकारियों से विशेष जानकारियां मांगी है। जारी आधिकारिक पत्रों के माध्यम से शिक्षा विभाग ने सरकारी स्कूलों के खातों की जानकारी चाही है। इस कवायद के जरिए विभाग स्कूलों के खातों पर निगाह रखेगा, उसकी वित्तीय अनुशासन स्थापित करने की है। इसी तरह एक अन्य पत्र में विभाग ने जिला शिक्षा पदाधिकारियों से जिलावार निलंबित शिक्षकों की जानकारी मांगी है। इस तरह शिक्षा विभाग के अपर मुख्य सचिव के पाठक ने स्कूलों के प्रबंधन सुधारने की दिशा में ये सख्त कदम बुधवार को उठाए हैं। बता दें कि शिक्षा विभाग ने विशेष कार्य पदाधिकारी ने जिला शिक्षा पदाधिकारियों से उनके जिलों में निलंबित शिक्षकों का ब्यौरा मांगा है। ये सूचना 22 जून तक शाम 3 बजे तक मेल आईडी osdeddubihar@gmail.com पर के जरिए भेजी जानी है। शिक्षा विभाग की विशेष कार्य पदाधिकारी विनीता ने जिला शिक्षा पदाधिकारियों को ये जानकारी एक विशेष पत्र के आधार पर भेजी है। दीक्षांत एडुटेक लाया है दीक्षांत सी लर्निंग ऐप। बने दीक्षांत का चैनल पार्टनर और अर्न करे लाखों रुपए प्रति महीने। चैनल पार्टनर बनने के लिए विजिट करे www.dikshant.com। जारी पत्र में शिक्षक का नाम, विद्यालय का नाम, शिक्षक नियोजित नियमित, संक्षेप में आरोप का विवरण और निलंबन आदेश की तिथि भेजनी है। इसी तरह विशेष कार्य पदाधिकारी ने जिला शिक्षा पदाधिकारियों से प्राथमिक से लेकर उच्च माध्यमिक तक के स्कूलों के संधारित खातों में उपलब्ध राशि की जानकारी मांगी है। जारी आदेश में बिहार वार विकास कोष, विद्यालय छात्र कोष, समग्र शिक्षा विद्यालय अनुदान कोष, पीएम कोष, सामान्य कोष एवं सामान्य खाता एवं अन्य कोई खाता जो संधारित किए गए हो, ये जानकारी भी osdeddubihar@gmail.com पर 23 जून अपराह तक देना है। माध्यमिक और उच्च माध्यमिक स्कूल के लिए पपत्र अलग है। वहीं एक अन्य पपत्र प्राथमिक और मध्य विद्यालयों के लिए भी जारी किया गया है। इधर बुधवार को ही शिक्षा विभाग के प्रशासन निदेशालय के निर्देशक सुबोध कुमार चौधरी ने प्रदेश के सभी जिला पदाधिकारियों को पत्र लिखकर कहा है कि जिलों में शिक्षा विभाग के पदस्थ कार्यक्रम पदाधिकारियों को आवंटित कार्य प्रभार की समय पर समीक्षा कर आवश्यकता अनुसार कार्य आवंटित कर जिला पदाधिकारी को प्राधिकृत किया जाए। दीक्षांत एडुटेक लाया है दीक्षांत डिजिटल क्लास। दीक्षांत डिजिटल क्लास का उपयोग कर छात्र बना सकते हैं पढ़ाई को बेहद आसान और मजेदार। दीक्षांत डिजिटल क्लास को स्कूल में बैठकर देखना है तो पेन ड्राइव और स्मार्ट टीवी बनेगा सही माध्यम। चलिए अब ये भी जानते हैं कि दीक्षांत डिजिटल क्लास का फी स्ट्रक्चर क्या होगा। नर्सरी से लेकर यूकेजी के लिए 7,000, नर्सरी से लेकर दूसरी कक्षा के लिए 12,000, नर्सरी से लेकर 5वीं तक के लिए 18,000, नर्सरी से लेकर 8वीं तक के लिए 24,000, नर्सरी से लेकर 10वीं तक के लिए 30,000। अगर आपको डेमो करना है तो उसके लिए आप दीक्षांत डिजिटल क्लास के यूट्यूब चैनल को विजिट कर सकते हैं। हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब और फेसबुक पेज को लाइक करना ना भूले। धन्यवाद।